लाइट बंद है बट लाइट नहीं क्लियर इधर बड़ा ही थैंक यू आई रिक्वेस्टेड थैंक यू सर चलो लेट्स सी द फिल्म कम ऑन कम ऑन लेट्स स्टार्ट नाउ थोड़ा यहां से स्टार्ट आप पे हां लेफ्ट टू राइट या या सेंटर सेंटर सर यो आई आता कम कहते नवनी जी हियर सर आई हाउ प्लीज कम लेट्स हैव अ पिक अरे हम कर रहे हैं चलो एवरीवन कैमरा as gorgeous as ever as graceful as ever like I've seen her so acha light kaun se guy kamal karo come let's see the film you have to go that's why I want to see the film come take up clear sir ha ek minute bhai ek minute bhai sir प्रोड्यूसर प्लीज अजय कुमार पांडे एंड आवर हीरोइन गो आवर हीरो अरे ये अपना हीरो भाई क्या बात कर रहे हो तुम सेंटर में खड़े हो निधि मैम थोड़ा पीछे सोलो करते हैं सोलो सोलो सर रुको आपका सोलो जी वेट वेट सर so that you don't have to keep holding it. Just अभी मैं देख के निकला हूँ बाहर हुए माए और बड़ा मजा आया राजा राम मुखर्जी राजा मुखर्जी पुराने दोस्त हैं और मतलब हम लोगों ने काम किया साथ में लेकिन मुझे पता है कि वो क्या करते हैं और कैसे काम करते हैं ये फिल्म में तो उन्होंने मतलब एक इतना बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज और यू नो जस्ट 15 मिनट्स में बोलना इट्स बहुत बड़ी बात है एंड इट्स अ लवली मैसेज कि यू नो हु एम आई एक औरत एक्चुअली क्या क्या नहीं होती और क्या होती है सो इट्स अ लवली फिल्म आई बिलीव एवरीबडी शुड वॉच इट एंड यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओके फिल्म जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड है तो क्या कहना चाहेंगे कितना ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट पर मूवीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये है कि हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं कि यू नो हमारे जहन में यही होता है कि हीरो हीरो मतलब यू नो मेल गाय बट यू नो द वुमन इज़ इक्वली यू नो हीरो है तो उनको भी दिखाना चाहिए कि वो इतना काम करते हैं और सब कुछ करते हैं बेसिकली कैसे मल्टीटास्क करते हैं तो उन्हें भी इक्वल दर्जा देना बहुत ज़रूरी है ओके वुमेन एम्पावरमेंट तो काफ़ी टाइम होता ही है सभी आजकल वुमेन एम्पावरमेंट करते हैं बट मैंस एम्पावरमेंट पे कहीं ना कहीं कोई ध्यान नहीं देता तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मैन एम्पावरमेंट ऐसा होता है ना कि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं या जो भी प्लेसमेंट्स होती हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस डेफिनेटली दे लुक फॉर यू नो मैन बट अब ज़माना बदल रहा है इक्वल होने लगा है मतलब यू नो वेमेन आर इक्वली वो हर लेवल पे इक्वल हैं दे कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू
ओके, जैसे कि आपको पता है क्रिसमस है, न्यू ईयर आने वाला है, क्या क्या प्रिपेरेशन चालू है उसके लिए? अभी क्या है कि यू नो इट्स अ फेस्टिव सीजन, तो डेफिनेटली पार्टीज हैं और सब लोग के घर बढ़ जाएंगे, एंड क्रिसमस है तो सबके घर जाके खाना वाना खा के एंजॉय करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. ये मैसेज होगा कि देखिए कि औरतों को इक्वल समझिए और उन्हें मतलब इक्वली ट्रीट कीजिए. ऐसा सोचिए कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आप क्या करेंगे. ये बिल्कुल सही बात है. ये सुबह से लेकर रात तक ये पुरानी प्रथा चली आ रही है कि सुबह से लेकर रात तक एक औरत किचन में यू नो पूरा काम करती रहती है. प्लस उनसे ये भी उम्मीद रखी जाती है कि वो बाहर जाके भी सब काम करे. प्लस ये भी उम्मीद रखी जाती है कि ऑफकोर्स वो जाके ऑफिस में भी काम करे. तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हाथ बटाएँ. हम भी काम करते हैं, हमें पता है, लेकिन अगर हम आके अगर ऐसे ऑर्डर दे देंगे या चाय लेके आओ पकौड़े लेके आओ तो कैसे चलेगा यार. कभी खुद भी जाके बना लें, उनको बिठा के बोले कि भाई बैठो मैं चाय लेकर आता हूँ यार. देखिए मेरा ख्याल है, मैं तो ये बोलना चाहूँगा जो उस घर में रह गया, जो उस घर में चला गया वो विनर ही है. हिम्मत चाहिए उस घर में जाने के लिए क्योंकि मैं जाके आ चुका हूँ. बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि करणवीर बोरा है और दीपिका है, वो लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं. श्रीशांत है, वो ही इज शोइंग यू नो व्हाट ही इज. तो अभी ये तीन लोग मुझे लग रहा है कि ये हैं. लेट्स सी, दीपक भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी तक, ही इज देयर. एंड ऑफकोर्स आजूबाजू में बाकी लोग भी हैं. फ्रेंकली स्पीकिंग अपडेट्स ये हैं जो जिसके ज़रिए मैं आप लोगों से बात कर सकता हूँ. बाकी फॉलो करने का मौका नहीं मिलता. जैसे अभी भी मैंने कहा कि आई हैव टू रश फॉर माई शूट, आई एम शूटिंग नाइट्स, तो मिस ही हो जाता है. बट हाँ, अपडेट्स में जो मुझे मोटा मोटी पता चला है, दैट्स व्हाट. ये भी अपडेट है कि उतना हैपनिंग नहीं जितना आपके वक्त या जितना और. देखिए क्या होता है ना, हर बार लास्ट सीजन से कंपैरिजन तो होना ही है. हमारे टाइम पे बोलते थे कि भाई पहले वाला इतना अच्छा नहीं था, ये वाला अच्छा है. अब हमारे सीजन से, सीजन 11 से ज़रूर 12 कंपेयर किया जाएगा, तो कंपैरिजन तो होंगी. तो 19-20 तो होगा ही. थैंक यू यार, थैंक यू. कोई सवाल पूछेगा, मैं खुद ही बोलता हूँ. आप पूछेंगे जी. बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत बढ़िया फिल्म. औरतों के लिए बहुत अच्छा है, एक बेहतरीन मैसेज है इसमें. और शॉर्ट फिल्म का नाम है मैं कौन हूँ. वाह वाह, मैं कौन हूँ, यानी कि मैं कौन हूँ का जो मतलब है, ये देखने से आपको पता चलेगा. ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखिएगा, इसका मतलब आपको पता चलेगा कि औरत के अंदर वो क्यों कहती है मैं कौन हूँ. उसके अंदर कुछ है, वो क्या है, वो एक टैलेंट है. उस टैलेंट को हमें जानना चाहिए. अगर औरत के अंदर टैलेंट है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए. ये इस फिल्म में वो दिखाया गया है, बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत मज़ा आया. बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है. ये एक वुमन के ऊपर, एक महिला के ऊपर आपको फिल्में बनानी चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए. औरत जात को हमारे यहाँ जो है बहुत ही इजी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है. औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, औरत का सम्मान होना चाहिए. महिलाओं की नहीं, अभी तो फिर भी ठीक है, इससे पहले बहुत ही ख़राब था. अभी तो फिर भी इज्जत बाकायदा बढ़ रही है और लोग समझ रहे हैं. ये टेलीविज़न के कारण घर घर ये बातें पहुंचती है, लोगों तक बात पहुंच रही है. और पहले से तो बहुत अच्छा है, पहले से तो बहुत बढ़िया है. प्लानिंग बस यही है, इस साल भर में हमने जो कुछ किया है, अच्छा बुरा,
जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ अच्छा ही होता है। और 31st के दिन हम उससे प्रार्थना करते हैं कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने हमें अच्छा रखा, अगले साल भी अच्छा रख। आप सबको नया किसके बारे में एस्ट्रोलॉजी नहीं नमस्ते मैं कौन हूँ सबसे पहले जब मुझे इस फिल्म की स्टोरी के बारे में पता चला था देन आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मुझे स्टोरी सुन के लगा कि बहुत अच्छी स्टोरी है, लोग बहुत रिलेट करेंगे इससे, स्पेशली वुमेन, एंड बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर है। तो जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है जो जिससे ऑडियंस रिलेट कर सके और यू नो पब्लिक उससे जुड़ सके, सो वो बहुत अच्छा ही है। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मुझे फिल्म जब मुझे सुनाई गई, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म दिस फिल्म बिकॉज डेफिनेटली कोई अच्छी मीनिंगफुल चीज़ होती है तो वो आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड करती है। बींग एन एक्टर एंड बींग अ पर्सन दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। सॉरी जी 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 ऑफकोर्स इट डज, बिल्कुल। इसके बाद पब्लिक और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करना चाहेगी, और जब आप कुछ अच्छे मुद्दों पर कुछ ऐसी फिल्म करते हैं, कुछ भी ऐसा सब्जेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली जो देखने वाले हैं वो आपसे नेक्स्ट टाइम कुछ और अच्छा ही एक्सपेक्ट करेंगे। सो डेफिनेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे शोल्डर्स पे काफ़ी बढ़ चुकी है अभी, सो आई एम वेरी हैप्पी कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबकी तरफ से और जो भी देखने वाले आ रहे हैं उन सबकी तरफ से, आई एम वेरी ग्लैड जी। जी इसी मोमेंट के लिए और इसी अप्रिसिएशन के लिए एक एक्टर इतना हार्डवर्क करता है, लगा रहता है हमेशा, सो मुझे लग रहा है आज वो तपस्या कहीं ना कहीं बहुत सफल हो गई। सो जब सर ने मुझे पर्सनली कहा कि यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड फीलिंग कंप्लीट राइट नाउ दैट यू नो आई डिड समथिंग गुड एंड सेटिस्फाइंग, वेरी हैप्पी। आई लव रानी मुखर्जी, विद्या बालन, सॉरी, एंड बहुत सी हीरोइंस हैं, बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, सभी अच्छा करती हैं, लेकिन हाँ लाइक रानी मुखर्जी, विद्या बालन एंड ऐसी एक्ट्रेसेस जो मीनिंगफुल सिनेमा और करती हैं वो मेरी इंस्पिरेशन है डेफिनेटली जी। ओ दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो बताइए और नीचे या थैंक यू। वेल किरदार जो है एक हस्बैंड का है जो अपनी वाइफ के बिल्कुल अगेंस्ट है, वो जो करती है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो मेरा किरदार ऐसा है। वैसे मैं हूँ नहीं ऐसा, वो अलग बात है, लेकिन किरदार बड़ा अच्छा था तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, और यही था मेरे लिए तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा फिल्म के रूप में। जी बिल्कुल होते हैं, मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ इस तरह की मेंटालिटी के लोग बहुत होते हैं, जो औरतों को समझते हैं कि घर में रहना चाहिए, काम करना चाहिए, बच्चे को संभालना चाहिए, तो ऐसे लोग मैंने खुद देखे हैं, तो उन लोगों से देख देख के मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और काफ़ी मैंने उनसे सीख ली, और इस किरदार को करने में मुझे बहुत
मतलब मदद मिली उनकी तरफ से, तो ऐसे लोग बहुत होते हैं, आज भी हैं, भले ही हम 2018 में हों, लेकिन ऐसे लोग अभी भी घर घर में मौजूद हैं। तो कोशिश थी कि हो सकता है कि इससे थोड़ा चेंज आए सोसाइटी में। देखिए, बचपन से मैं सुनता आया हूँ कि फिल्में जो है वो समाज का आईना होती है, तो मेरे हिसाब से जो फिल्म्स होती हैं वो हमारे समाज पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, अगर वो सही दिशा में हो। अगर कोई फिल्म अच्छा करती है तो समाज को भी अच्छा लगता है, कोई फिल्म बुरा करती है तो समाज को भी बुरा लगता है। इसलिए आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं फिल्म्स के अगेंस्ट और ये सारी चीज़ें, लेकिन फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है। और मेरे लिए तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हूँ जो एक इतना सुंदर मैसेज लेके लोगों के बीच में जाती है। मैं तो अनमैरिड हूँ फिलहाल लेकिन मैं फुली सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, मैं फुल सपोर्ट करता हूँ, मेरा फुल सपोर्ट है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, मेरा फुल सपोर्ट है। बस मेरे घर में भी मेरी छोटी बहन है, मेरी मदर है, तो उन सभी वुमेन्स के लिए और सभी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो करो अपने दिल से करो, किसी की मत सुनो, जो कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं बस आगे बढ़ते रहो, बाकी सब होता रहेगा। मेरे प्लान्स ये हैं कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूँगा और मैं कौन हूँ देखूँगा। उनके लिए मेरा मैसेज यही है कि कोशिश करो अपने पार्टनर को समझने की, ज़रूरी नहीं कि वो जो कर रही है वो गलत ही हो। अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनको अपोज भी मत करो, उनको करने दो, उनको अपनी जर्नी में आगे बढ़ने दो, क्योंकि सब लोग, और जहाँ तक शादी के बाद की एक एज होती है उस समय तक आदमी समझदार हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे अगर आप किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दोगे तो वो कैसे कुछ चीज़ कर पाएगा। तो मेरा मैसेज उन सब लोगों के लिए यही है कि अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे ना तो उसको अपोज भी मत करो। थैंक यू।